हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, आई एम धर्मपाल फ्रॉम रोजू पब्लिक स्कूल जयती। डी स्टूडेंट, आज हम क्लास फिफ्थ EBS का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, एवरी ड्रॉप काउंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, दिस इज द पिक्चर ऑफ घाट सी सार। सार मीन्स अ लेक। ये पिक्चर जो हमें दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, ये घाट सी सार की है। सार मीन्स होता है लेक, यानी कि झील। किंग घाटसी ऑफ जैसलमेर गॉट इट मेड 5650 ईयर्स एगो विद द हेल्प ऑफ द पीपल। जो एक घाटसी सार है, ये लेक, ये झील जो हमें इस पिक्चर में दिखाई दी है, ये वहाँ के राजा यानी कि जैसलमेर के राजा घाटसी के द्वारा सन 650 साल पहले बनाई गई थी, ठीक है, वहाँ के लोगों के द्वारा बनाई गई थी। किसके टाइम पे? घाटसी के राजा जो थे, घाटसी राजा है जैसलमेर के। जैसलमेर कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान में, ठीक है। ऑल अराउंड द लेक देयर आर घाट विथ स्टेप लीडिंग टू द वाटर। यहाँ पर जो है सीढ़ियाँ बनी हैं वाटर तक पहुँचने के लिए। डेकोरेटेड बरामदाज, लार्ज हॉल, रूम्स एंड मच मोर। यहाँ पर जो है बरामदा, लार्ज हॉल हैं और रूम्स हैं, ठीक है। पीपल कम हेयर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस। लोग यहाँ पर जो है किसी विशेष अवसर पर, जैसे फेस्टिवल है या म्यूजिक या डांस प्रोग्राम्स हैं, इनके लिए यहाँ पर आते हैं। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। और चिल्ड्रन जो हैं यहाँ पर बने हुए स्कूल में पढ़ने आते हैं। द तालाब बिलोंग टू एवरी वन एंड एवरी वन टू केयर टू कीप इट क्लीन। इन जो तालाब है, ये झील है, ये जो है सबके लिए है और साथ ही सभी की जिम्मेदारी इसको क्लीन, साफ स्वच्छ रखने की है, ठीक है। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड ओवर मैनी मील्स। इस लेक की एक विशेषता है कि यहाँ पर जो है जो रेन वाटर होता है उसको कलेक्ट करके इसको फिल किया जाता है, ठीक है, भरा जाता है। इट वॉज मेड इन सच अ वे दैट व्हेन द लेक वॉज फुल। इसे इस प्रकार से बनाया गया है, जब ये लेक, ये जो ये तालाब है, ये जब फुल हो जाता है, द एक्स्ट्रा वाटर फ्लो इन टू अनदर लेक एट अ लोअर लेवल। जब ये हमारे जो इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये लेक जब फुल हो जाती है तो इसका जो एक्स्ट्रा पानी होता है बह करके इसी के जस्ट नीचे जो है एक दूसरी लेक बनाई जाती है, दूसरा तालाब बनाया हुआ है जिस पर फ्लो होकर के दूसरा तालाब भरता है। व्हेन दैट टू फिल्ड अप द एक्स्ट्रा वाटर फ्लो इन टू द नेक्स्ट लेक। जब वो दूसरी लेक भी भर जाती है तो उसी के जस्ट नीचे जो है एक दूसरी लेक बनाई गई है जिसमें वो पानी फिर जाता है, और अगर वो भी भर जाती है इस प्रकार से जो है इसमें, दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप। इस प्रकार से इसमें 9 तालाब भर जाते हैं, ठीक है। दिस रेन वाटर कुड बी यूज्ड थ्रू आउट द ईयर्स। इस प्रकार से इस पानी को जो है साल भर लोग यहाँ पर प्रयोग करते थे। टूडेज घाटसीसार इज नो मोर इन यूज। आजकल जो है घाटसीसार का प्रयोग ज़्यादा नहीं है। मैनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोज 9 लेक्स। अब जो है इन सारे लेकों के बीच में जो है कॉलोनीज और बिल्डिंग बन गई हैं। नाउ द वाटर डस नॉट गेट कलेक्टेड इन दीज लेक्स। अब जो है इन पर पानी नहीं भरता। रेन वाटर जस्ट फ्लो अवे एंड इट्स वाइस्टेड। अब जो है पानी, जो वर्षा का पानी होता है, वो बर्बाद जाता है। थ्रो द आइज ऑफ अल बिरूनी। अल बिरूनी एक व्यक्ति हैं, देखते हैं उनके बारे में। मोर देन 1000 ईयर एगो अ ट्रेवलर केम टू इंडिया। लगभग 1000 साल पहले एक ट्रेवलर जो था इंडिया में आया था, एक यात्री जो है इंडिया में आया था। हिज नेम वॉज अल्बरूनी। अल्बरूनी उसका नाम था। ये लगभग 1000 साल पहले भारत आया था। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड उज्बेकिस्तान। जहाँ से अल्बरूनी आए थे उनके देश का नाम था उज्बेकिस्तान। अब उज्बेकिस्तान कहाँ पर है? आपने इंडिया का मैप देखा होगा, इंडिया के जस्ट ऊपर साइड में पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्या है ऊपर,
अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर लगा हुआ उज्बेकिस्तान है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे अलबरूनी। अलबरूनी केयरफुली ऑब्जर्व एंड नोटिस डाउन द डिटेल ऑफ ऑल दैट ही सॉ। ही रॉट स्पेशली अबाउट दोज थिंग दैट ही फाउंड वेरी डिफरेंट फ्रॉम इन ऑन कंट्री। अलबरूनी जो थे उन्होंने भारत में आके सभी चीज़ों को ऑब्जर्व किया और नोटिस किया। ख़ासतौर पर उन चीज़ों को उन्होंने उन चीज़ों को लिखा जो बिल्कुल एक विशेष प्रकार की विशेषता रखते थे। ठीक है, हियर इज अ पार्ट ऑफ व्हाट ही रॉट अबाउट द पॉइंट्स ऑफ दैट टाइम। यहाँ पर उसी का एक पार्ट दिया गया है, उन्होंने उस पॉइंट के बारे में क्या लिखा है। देखिए, द पीपुल हेयर वॉज वेरी स्किल्ड एट मेकिंग पॉइंट्स। लोग यहाँ के बहुत अच्छे स्किल्ड थे पॉइंट बनाने में, इन तालाब बनाने में। माई कंट्री मैन वुड बी सरप्राइज टू सी डैम। और मेरे देश के लोग इस देख के बहुत सरप्राइज होंगे, आश्चर्यचकित होंगे। दे फील ऑफ हग रॉक एंड ज्वाइन डैम विथ आयरन रॉड्स ऑफ बिल्डिंग चबूतराज ऑल अराउंड द लेक। और ये रॉक को जोड़ करके आयरन रॉक रॉड्स पर इस प्रकार से एक चबूतरा खड़ा करते हैं। बिटवीन दीज देयर आर रो ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेज गोइंग अप एंड डाउन। इस प्रकार से यहाँ पर जो है ऐसी सीढ़ियाँ होती हैं, द स्टेप ऑफ गोइंग अप एंड कमिंग डाउन आर सेपरेट, सो देयर इज अ लेस क्राउडिंग। दैट मीन्स कि इसकी संरचना ऐसी थी, पॉन्ड्स की संरचना ऐसी थी कि नीचे उतरने के लिए और ऊपर आने के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जिससे कि ज़्यादा भीड़ ना लगे। टूडे व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अलबरूनी इन 1973 1000 ईयर आफ्टर हिज बर्थ। हम जो है आगे जाके इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे अलबरूनी के बारे में। ठीक है, चलिए ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट। लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, आर देयर आर एनी फील्ड्स फार्म्स पक्का रोड्स ड्रेन्स एक्स्ट्रा। अपने आसपास के वातावरण को देखिए, फील्ड्स हैं क्या, वहाँ पर फील्ड्स हैं, फार्म्स हैं या पक्के रोड है। ठीक है, इट इज़ द एरिया ऑफ स्लोपिंग रॉकी और फ्लैट। क्या जो आपके स्कूल के आसपास की एरिया या आपके घर के आसपास की एरिया जो है स्लोपिंग है। स्लोपिंग का मतलब है आपका कि डाउन, जिसको कहते हैं मतलब, ठीक है, स्लोप की तरह है, या रॉकी है, पथरीली है, या फ्लैट या समतल है। थिंक व्हाट विल हैपन हेयर व्हाट व्हेन इट रेन्स। सोचिए अगर यहाँ पर बारिश होती है तो वो पानी कहाँ जाएगा। व्हेन विल द रेन वाटर गो, कहाँ पानी जो बारिश का पानी है वो कहाँ जाता है। इन टू द ड्रेन्स पाइप्स एंड विड्स। इज वाटर ऑल्सो गेटिंग सॉक इन टू द सोइल। ये जो वर्षा का पानी है ये आपका पाइप में जाता है या किसी गड्ढे में जाता है या मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाता है, किस प्रकार का। अगर देखिए, अगर हमारी ज़मीन स्लोपिंग है कि डाउन है एकदम, तो बारिश का पानी क्या होता है, धीरे स्लोप वाले में बह जाता है। ठीक है, और नीचे नदियों में मिल जाता है। अगर फ्लैट है, एकदम समतल है, तो उसमें धीरे धीरे ज़मीन के अंदर रिश्ता है। ठीक है, और कहीं कहीं पर अगर गड्ढे हैं तो बारिश का पानी गड्ढों में भी वेस्ट हो जाता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप। बिसाइड जैसलमेर मैनी प्लेस इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। जैसलमेर कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान पर आपने नाम सुना होगा, राजस्थान में जो है अधिकांश तो भाग कैसा है आपका, डिजर्ट है, यानी कि रेगिस्तान है। थार का मरुस्थल भी रेगिस्तान में ही है। ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, तो वहाँ पर जो है बहुत कम वर्षा होती है। हेयर इट रेन फॉर ओनली अ फ्यू डेज इन द इंटायर ईयर्स। यहाँ पर जो है बारिश बहुत कम होती है पूरे साल में। समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, द रिवर्स हेयर डू नॉट हैव मच वाटर ऑल अराउंड द ईयर्स। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है
साल भर जो नदियाँ रहती हैं वो भी साल भर उनमें पानी नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। ठीक है, एलेट पोस्ट ऑफ द विलेज इन द दीज एरिया डिड नॉट हैव स्टोरेज ऑफ वाटर। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग, उनको पानी की कमी नहीं होती है। क्यों? देखिए, पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज प्रीसियस। लोग वहाँ के लोग जो हैं पानी की एक एक बूंद की कीमत जानते हैं। लेक्स एंड जोहात वर मेड टू कलेक्ट वाटर। वहाँ के लोग जो हैं तालाब और जोहात बनाते हैं पानी को, बारिश के पानी को कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए। वाटर वॉज एवरी वन नीड। वाटर की ज़रूरत जो है प्रत्येक व्यक्ति के होती है। पानी के बिना जो है मनुष्य या कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता है। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन दिस वर्क, बी इट अ बिजनेसमैन और लेबर। तो वहाँ के लेक्स और जो हट बनाने में जो है सारे लोग मदद करते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो या लेबर हो। सम वाटर फ्रॉम द लेक्स सॉक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच द वेल एंड वावडीज। वावडीज कहते हैं आपको स्टेप ऑयल को। द सोयल ऑफ द एरिया एल्सो बिकम वेट एंड फर्टाइल। दैट मीन्स कि वहाँ के लोग जो हैं पानी को इकट्ठा करते हैं, बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं, जिससे ग्राउंड का पानी जो है बढ़ता है, जो वेल्स और कुओं के माध्यम से जो है बाहर निकलता है, स्टेप वेल के माध्यम से बाहर निकलता है। ठीक है, एवरी हाउस हैड सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। प्रत्येक घर में, राजस्थान की प्रत्येक घर में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जिससे हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। हम वो अपने छत पर जो है चारदीवारी के माध्यम से, चारदीवारी लगा करके बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और पाइप के द्वारा उसे ज़मीन पर टंकियों में भर देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उस पानी का यूज करते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑन योर राइट। हाउ डू थिंक द रेन वाटर दैट फॉल ऑन द रूफ विल रीच द अंडर द ग्राउंड टैंक ड्रॉ द पाथ। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऊपर छत है, छत में से इस तरीके से एक पाइप लगा है। जब बारिश होती है तो छत का पूरा पानी इस गड्ढे में चले जाता है। ठीक है, जब ये गड्ढा भर जाता है तो लोग इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक औरत जो है एक बकेट लेकर के वहाँ से पानी निकाल रही है। ठीक है, तो ये राजस्थान के लोग, प्रत्येक घर में इस तरीके का सिस्टम बना होता है जिससे वहाँ पर पानी की कमी नहीं होती है। ठीक है, हैव यू एवर सीन अ स्टेप वेल। क्या आपने कभी स्टेप वेल देखा है? लुक एट द पिक्चर। अब इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्टेप वेल मिला बना है। स्टेप वेल का मतलब होता है ऐसा कुआं जिस पर चल के नीचे से हम पानी ला सकते हैं और उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप वेल है, इसमें लोग जो है इन सीढ़ियों से उतर करके नीचे से पानी लेकर और इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर आते हैं। और एक वेल होता है, एक कुआं होता है जिससे हम बकेट डाल के पानी ऊपर खींचते हैं। ठीक है, ये स्टेप वेल होता है। चलिए आगे देखते हैं। कैन यू इमेजिन बाई लुकिंग एट द पिक्चर दैट स्टेप गो डाउन सर्वल स्टोरेज डीप्स इंस्टेड ऑफ ड्राइंग द वाटर अप फ्रॉम द वेल। द पीपल वुड गो डाउन एंड स्टेप एंड रीच द वाटर। दैट इज़ व्हाई दे आर कॉल्ड स्टेप वेल। ठीक है, इसीलिए जो है इसको स्टेप वेल कहा जाता है, क्योंकि इसमें सीढ़ियाँ बनी होती हैं, वो सीढ़ियों से चल के नीचे पानी तक जो है लोग पहुँचते हैं और वहाँ से पानी भर के फिर इन सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर आते हैं, इसीलिए इसको स्टेप वेल कहा गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट फेज में। लॉन्ग एगो पीपल यूज्ड टू मेक लॉन्ग जर्नी विथ डियर कारवेंस ऑफ एनिमल्स एंड गुड्स। कारवाज ऑफ एनिमल्स ऑफ एंड गुड्स, दैट मीन्स कि बहुत समय पहले लोग जो हैं अपनी जर्नी को गुड्स एंड गुड्स के साथ प्रारंभ करते थे। दैट मीन्स कि एनिमल्स को साथ लेके चलते थे। पीपुल फेल्ट इट वॉज ऑफ गुड थिंग्स टू गिव वाटर थर्स्टी ट्रेवलर। लोग जो हैं
प्यासे लोगों के, इनकी यात्रियों की सहायता करने के लिए उन्हें पानी पिलाते थे। इनकी पानी पिलाना उनको अपना कर्तव्य समझते थे। दस दे ब्यूल्ट और मैनी ब्यूटीफुल स्टेपवेल्स, इसी कारण से वो स्टेपवेल का निर्माण करते थे। ठीक है, स्टेपवेल का निर्माण इसलिए किया जाता था ताकि लोग जो हैं, जो यात्री लोग हैं, उनको पानी पिलाया जा सके, पानी पी सके। इसीलिए राजस्थान में जगह जगह पर वेल्स का निर्माण, कुओं का निर्माण और स्टेपवेल का निर्माण किया जाता था। हैव यू एवर फेस्ड स्टोरेज ऑफ वाटर इन योर एरिया, क्या आपने भी कभी पानी की समस्या अपने एरिया में महसूस की है? इफ़ यस, व्हेन, व्हाट वाज रीजन फॉर इट, तो इसका क्या कारण है? जब आपके घर में पानी नहीं आता है तो इसका क्या कारण है, इसको आपने राइट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर, इसके बाद में डिस्कस कर लेंगे। कस्टम एंड रिलेटेड टू वाटर, कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। अब पानी से रिलेटेड जो कस्टम्स हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, वो कौन कौन से हैं उसे देख लेते हैं। एवरी डे पीपल गेट वाटर फ्रॉम वेरी ओल्ड लेक्स, धाराज, स्टेपवेल्स एंड नॉलाज। लोग जो हैं विभिन्न स्थानों से पानी लेके आते हैं, जैसे लेक्स है, धाराज हैं, स्टेपवेल हैं, नॉलाज हैं। ठीक है, आप भी इन्हीं जगहों से पानी लाते होंगे ना। मैनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर, बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज हैं, फेस्टिवल हैं जो पानी से संबंधित हैं। एट सेम प्लेस वेन एवर लेक्स गेट फिल्ड अप विथ रेन वाटर, द पीपल गैदर अराउंड द लेक टू सेलिब्रेट। तो जहाँ पर जो है रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है, लोग वहाँ पर भी जो है उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं। सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड, ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन दिस पिक्चर, आफ्टर गेटिंग मैरिड सी हैज कम टू द न्यू विलेज, सी वॉज टू स्पेरिंग ऑल द पॉन्ड्स इन सिटीज, वन कैन सी इन द इंटरेस्टिंग फ्रॉम फॉर दिस कस्टम्स, द न्यू ब्राइड वर्शिप्स द टैप इन हर होम, कैन यू एवन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर। अब ये कस्टम जो है हमारे उत्तराखंड का है, आप देख सकते हैं जब नई नई किसी लड़की की शादी होती है तो वो पानी की धारा में जा कर के वहाँ पर पूजा करती है। ठीक है, ये हमारे देश का, हमारे उत्तराखंड का जो है कस्टम है, एक रीति रिवाज है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पानी के बिना जो है जीवन असंभव है। तो इसलिए जो है जब नई दुल्हन अपने नए गांव में जाती है तो वहाँ पर जा कर के पानी की पूजा करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डू यू हैव सम स्पेशल पॉट्स फॉर वाटर एट योर प्लेस, क्या आपके पास कोई पानी भरने के कुछ ऐसे नए नए बर्तन हैं आपके घर में? लुक वाटर इन द बिल्डिंग फील्ड बींग फील्ड इन दिस ब्यूटिफुल कॉपर पॉट, ये कॉपर पॉट है आपका, इस पर पानी फिल किया जा रहा है। द शाइनिंग येलो पॉट ऑफ ब्रॉस इन सीन इन अदर पिक्चर, ये जो चमकीला दिखाई दे रहा है ब्रॉस का बना है और ये कॉपर का बना है। ठीक है, मैनी स्टोन कार्विंग आर ऑल्सो मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये पत्थर के अच्छी कितनी अच्छी मूर्तियाँ सजाई गई हैं जिससे पानी निकल रहा है। इस तरीके का आपके घरों, आपके जो गांव हैं वहाँ पर भी होगा, जैसे नौलाज हैं, हमारे घरों में नौला होते हैं ना, हाँ, तो उसको कितने अच्छे से सजाया जाता है, पत्थरों को काट करके उसमें नई नई आकृतियाँ बनाई जाती हैं जिससे उनमें पानी निकलता है। स्टोन कवरिंग आर द मेड नियर द प्लेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पर भी आपको स्टोन की कुछ आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। हैव यू एवर सीन मैनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग नियर द प्लेस ऑफ द वाटर, क्या आपने भी इस तरीके से कोई नई नई प्लेसें देखे हैं वाटर के, जहाँ पर पानी, जहाँ से आप पानी लाते हैं वहाँ पर ऐसे कोई ऐसी बिल्डिंग देखी है? दैट मीन्स कि वहाँ पर, जैसे हमारे वहाँ पर गाँव में क्या होता है, नौलाज होते हैं, है ना, उसमें अच्छी अच्छी आकृतियाँ बनी होती है, तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई कैन बी डन, देयर आर सम ग्रुप्स दैट वर्क हार्ड टू ब्रिंग वाटर टू द पीपल ऑफ डिफरेंट एरिया
यहाँ पर जो है लोगों का एक ग्रुप है जो बहुत हार्ड वर्क करता है पानी लाने के लिए अपने एरिया के। दे आस्क द एल्डर अबाउट द वाटर अरेंजमेंट इन दियर टाइम्स, वो कहते हैं अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि किस तरीके से अपने एरिया में पानी का अरेंजमेंट करते थे। दे रिव्यू द ओल्ड लेक्स एंड जोहात एंड एल्सो बिल्ड न्यू वंस, वो कहते हैं कि हमने जो है नए नए लेक्स का और जोहात का निर्माण किया। लेट अस सी हाउ द ग्रुप कॉल्ड तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ हेल्प डार्की में, ठीक है। ये जो है एक ग्रुप है, एक संघ है जिसको तरुण भारत संघ कहा जाता है, ठीक है। ये जो है नई नई लेक्स का निर्माण करते हैं और जहाज का निर्माण करते हैं, ठीक है, राजस्थान में। चलिए यहाँ पर एक स्टोरी दी है, इसको भी रीड कर लेते हैं। दिस इज अ डार्की में, सी लिव्स इन अ विलेज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये जो है अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में रहते हैं। द वुमेन ऑफ विलेज यूज्ड टू स्पेंड द इंटायर डे लुकिंग आफ्टर दियर होम एंड एनिमल्स, समटाइम्स इट टुक देम ऑल नाइट टू फुल वाटर फ्रॉम द वेल फॉर द एनिमल्स। ये जो है अपने गाँव में रहते हैं और अपने जानवरों के लिए जो है पानी लाते हैं कुओं से। इन द समर व्हेन द वेल्स ड्राइड अप दे हैड टू लीव द विलेज, जब गर्मियों में कुओं का पानी सूख जाता है तो अपने गांव को छोड़ देते हैं। डार्की में हर्ड अबाउट द ग्रुप एंड आस्क हेल्प फॉर हेल्प, डार्की में ने भी जो है इस ग्रुप के बारे में सुना था और उनसे हेल्प मांगी। टुगेदर द पीपल फ्रॉम द ग्रुप एंड द विलेज डिसाइडेड टू मेक अ लेक, तो लोगों ने और इस ग्रुप ने जो है एक डिसीजन लिया कि यहाँ इस गांव में जो है एक तालाब बनाया जाए। द प्रॉब्लम ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स इज नाउ लेस, पीपल गेट मोर मिल्क, दे हैव स्टार्टेड इन अर्निंग मोर। तो यहाँ पर जो है एक लेक बनाया गया जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और रोज पानी, जानवरों को पानी मिलने लगा और यहाँ की जो है सुविधाएं बढ़ गई, ठीक है। आई होप कि ये चैप्टर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसमें जो है हमें पानी की कीमत क्या होती है हमारे जीवन में इसके बारे में बताया गया है। हमें जो बारिश का पानी है उसको स्टोर करना चाहिए ताकि उस पानी को स्टोर करके हम अपने भूमिगत जल को बढ़ा सकते हैं। भूमिगत जल का मतलब है कि जैसे कि जो ज़मीन से निकलता है पानी, जैसे हमारे धाराज हैं, नवलाज हैं ना, तो इस अगर ये जो पानी ज़मीन से आता है अगर ये पानी सूख जाए तो मानव के लिए बहुत शुद्ध पानी नहीं मिल सकता है। जो सबसे शुद्ध पानी होता है ये ज़मीन से निकलने वाला पानी होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए कुछ ऐसे पॉन्ड्स, तालाबों का निर्माण करना चाहिए जिससे भूमिगत जल को बढ़ाया जा सके। तो इस चैप्टर में हमें यही सीख मिलती है, ठीक है। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।